आजकल एक गाना सुन रहा हूँ हांडी संतों का। अज तक मैनू ऐसा यार नहीं मिलया, जिद ते यकीन करा अखा बंद करके बड़ी मिले ने मैनू दो शकला। बहुत फेमस है यूट्यूब पर, 130 मिलियन व्यूज टाइप है। पता है गाना क्यों पसंद है? उसके अंदर एक बहुत प्यार और दिल को छूती हुई लाइन है कि आज तक मैंने ऐसा प्यार नहीं मिला, जीते थे यकीन करे आँखा बंद करके बड़े बड़े मिले मैंने दो शक्ला वाले, आज तक ऐसा प्यार नहीं मिला कि सत्य मेरे लगे थे वो रोते तड़पे हैं बड़े मिले नो अकला वाले। इस गाने में एक सीन है जिसमें हार्डी संधु अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के बहू में देख लेता है। मेरी असल जिंदगी में बहुत रिलेट करता है गाना, मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना। गाने की शुरुआत में हार्डी संधु बोल रहा है कि 3 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे 3 साल तो नहीं हुए लेकिन 2 साल का तन्हा सफर जिया है मैंने, और सच कहूँ तो मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कि फिर से एक बार कोशिश की जाए, कोशिश कि फिर से एक बार किस पर विश्वास किया जाए, कोशिश कि किसी को एक बार फिर से प्यार किया जाए, क्योंकि डर लगता है मुझे इस शब्द से। वो कोई माँ बाप या किसी रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो प्यार तो अटूट है। मेरे लिए यहाँ प्यार का मतलब किसी लड़की के प्यार से है। डर इस बात का कि कहीं वही फिर से वो सपना हो जाए, डर इस बात का है कि जिंदगी वो दिन फिर से ना दिखा दे कि जब मैंने लोगों से अपने आंसू अपनी बातें जी पाई थी, डर इस बात का है कि मेरी लाइफ पार्टनर वो ना बन जाए जैसी वो थी। किसी के चरित्र पे उंगली नहीं उठाना चाहता मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी के साथ होते हैं, किसी से प्यार कर रहे होते हैं, तो आप सिर्फ एक दूसरे के होते हैं और किसी और के बारे में सोचना गलत है। और अगर आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है तो या तो उसने प्यार ही नहीं किया या फिर उसका चरित्र, पता नहीं ऐसा क्या मॉडर्न ज़माना आ गई जहाँ लोग एक पार्टनर के साथ मन ही नहीं भरता, उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। 2 साल हो गए हैं मुझे अपने पिछले रिलेशन को टूटे हुए, और जब भी भगवान के सामने होता हूँ तो यही दुआ करता हूँ कि एक अच्छे पार्टनर देना जो मेरे से प्यार करे, तो सिर्फ मेरे से ही प्यार करे। आजकल के जैसा नहीं कि प्यार तो मेरे से भी है लेकिन आप दूसरों के साथ भी। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से कोशिश करूँ, मैं फिर से एक बार किसी से वो प्यार करके देखूँ, कि मैं फिर से एक बार ये बोल सकूँ कि ये लड़की मेरी वाली है। आजकल एक लड़की अच्छी लग रही है, कारण सिर्फ एक कि वो अच्छी इंसान है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में आती है तो जो मेरी ज़िंदगी में मुझे डर है वो धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की है वो। ऐसी लड़की जिसे देखकर आप कह सकते हो कि ऐसी बीवी चाहता हूँ, समझदार, सुंदर, प्यारी, लॉयल, जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सके। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम अच्छी लगती हो मुझे, बहुत अच्छी। तुम्हारी सादगी अच्छी लगती है मुझे, तुम्हारा नेचर व्यवहार अच्छा लगता है मुझे, तुम्हारा अच्छा इंसान होना अच्छा लगता है मुझे। इस बार मुझे किसी शक्ल से प्यार नहीं हुआ है, इस बार मुझे प्यार हुआ है तो एक अच्छे इंसान से। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, अच्छी खासी शक्ल है तुम्हारी, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी हो तुम। ऑफिस में मेरे एक बंगाली दादा हैं, उन्हें दिखाया मैंने, लड़के को ये फ़ोटो देखकर बोले अरे इसे देखकर तो ममता वाली फीलिंग आ रही है। सच बताऊँ
तभी मैं और दादा किसी भी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, वो ठरकपन दिखाते हैं अपना। लेकिन जब उन्होंने बोला कि इस लड़की को देखकर एकदम ममता वाली फीलिंग आ रही है, तो मन में खुशी सी हुई कि चलो इस बार ही सही, मैंने बहुत सही पार्टनर को चुना है। किसी दूसरे के जजमेंट पे अपना फैसला नहीं सुना रहा, लेकिन अपने मन की फीलिंग्स बता रहा हूँ कि खुशी हुई ये सुनकर। सच बताऊँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझने की, तुम्हें जानने की, क्योंकि मुझे तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाना है, और ना ही मुझे कोई तुम्हें या फ़ोन या जीमेल का पासवर्ड बनाना है। मेरी कोशिश है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ, अपनी अर्धांगिनी बनाऊँ। मेरी कोशिश है कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनो, ना कि कोई ये टेम्परेरी इंसान। मेरे घर वाले जब भी शादी की बात करते तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि वो अगर अच्छे इंसान हुई ना तो मुझे उसके शक्ल से भी प्यार होगा, उसके चरित्र से भी प्यार होगा। और आजकल की दुनिया में अच्छे इंसान का मिलना तो एकदम वही है ना जैसे भगवान के ढूंढने के बराबर हो। तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? हाँ, मेरा प्रॉफिट है इसमें कि तुम अच्छे इंसान हो। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी तो मेरे घर को अच्छा करोगी, मेरी लाइफ और अच्छी होगी, हमारा परिवार जिसका तुम हिस्सा होंगे वो भी अच्छा होगा। तुम टैलेंटेड हो, ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, लेकिन मुझे तुम्हारे अच्छे इंसान होने से प्यार है। और अच्छे इंसान की खास बात यही है कि वो ज़िंदगी में हमेशा अच्छा रहता है, और तुम जब ज़िंदगी भर अच्छी होगी तो तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा। लेकिन मैं तुम्हें और कैसे जानूँ? कभी कभी लगता है कि तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे में, एकदम इग्नोर वाला फील होता है, जैसे बस रिप्लाई कर दिया हो लेकिन बातचीत का मन ना हो। लेकिन जब तुमसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अच्छा फील करता हूँ, तब मन में सिर्फ यही आता है कि बात चलती रहे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुमसे क्या बातें करूँ, क्या कहूँ कि तुम्हें भी इंटरेस्ट है मेरे से बात करने में। मुझे पता है कि अभी पूरा वन साइडेड है, और शायद तुम्हें भी पता है, इतना तो लड़कियों को पता चल ही जाता है, लेकिन उसके बाद इस तरह का रिएक्शन मुझे ना थोड़ा सा कोफ्त देता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ सिर्फ अपनी फीलिंग लिख रहा हूँ। कभी कभी तो सोचता हूँ कि छोड़, जाने दे, किस्मत में जो होगी वो खुद ब खुद मिल जाएगी। फिर मैं सोचता हूँ कि ऐसे कैसे जाने दे, नहीं ऐसे जाने नहीं देना है, पर ऐसे कोई ज़बरदस्ती प्यार भी नहीं करवाना है। आखिर मैं इतना ही कहूँगा कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस पैशन को एक नई राह दूंगा मैं, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा मैं, क्योंकि कला की कद्र क्या होती है मुझे पता है, और तुम हमेशा अच्छे इंसान है ना, कि मुझे पता है कि तुम जिसकी ज़िंदगी में भी जाओगे ना, उसकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना दोगे तुम। वैसे हमारी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, सोच कर देखना। चलो भाई, टेक केयर।